everyone, welcome and welcome back to our channel. So girls, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे मंथली फेवरेट प्रोडक्ट्स. और मंथली फेवरेट प्रोडक्ट्स मैंने इस बास्केट में रख लिया है और ये जून मंथली फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं. सॉरी कि ये वीडियो लेट आ रही है बिकॉज मेरे को थोड़ा सा टाइम इशू हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी. सो ये वीडियो मुझे जून मंथ के एंड में आपके साथ शेयर करनी थी, बट टाइम इशू की वजह से वो मैं शेयर नहीं कर पाई. इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगी जो भी मेरे मंथली फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगे वो मंथ के एंड में ही आपके साथ मैं शेयर कर दूं. वो भी प्रोडक्ट मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी वो गाइज आपको 50 से लेकर 1000 तक की रेंज में इजिली मिल जाएगा मार्केट में. सो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट मैं शो करूंगी आपके साथ दिस वन. दिस इज क्रीमी आई शेडो और ये मैंने नॉर्मल मार्केट से परचेज किया था गाइस. और इसको मैं क्या करती हूँ, इसमें मैंने दो कलर बाय किए थे, एक मेटलिक और एक गोल्डन. ये मेटलिक होगा एंड सेकेंड इज गोल्डन. सो जब भी मैं कोई गोल्डन कलर का आई मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करती हूँ, बेस में मैं इसे यूज करती हूँ, देन उसके बाद में आई शेडो अप्लाई करती हूँ तो उसका इंटेंस थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है. देन उसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ दिस 4. ये लिप शेड है जो मैंने नॉर्मल मार्केट से बाय किए थे दिस 3, एंड ये अलीबाबा एक्सप्रेस से मैंने परचेज किया था. और ये शेड गाइज मेरे फेवरेट है बिकॉज ये एवरी इंडियन स्किन टोन पे सूट करेगा. सो दिस इज कॉफी न्यूडिश कलर और ये मैंने 100 रुपीज का परचेज किया था फ्रॉम अली एक्सप्रेस. देन उसके बाद मैं शेयर करूंगी दिस 3 एंड दिस इज पिंकिश न्यूड. लुक एट द कलर गाइज, ये रेगुलर के लिए सबसे बेस्ट कलर है, रेगुलर वे आप इसे इजिली वेयर कर सकते हो. देन उसके बाद फूशिया कलर मेरे फेवरेट शेड होते हैं फूशिया में, तो दिस इज फूशिया. सो दिस इज 3rd इज फूशिया. देन उसके बाद है मैरून. सो ये मैरून अगर मुझे लिप पर फोकस करना होता है तो ये मेरा फेवरेट है. जब मैं कोई रेगुलर और क्लासी मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करती हूँ तो मुझे लिपस्टिक थोड़ा बोल्ड चाहिए होता है, तो उसके लिए ये कलर मेरा फेवरेट है. तो ये जून के फेवरेट लिप शेड है मेरे. मैं आपके साथ दिस 2, दिस इज ब्रॉन्जर फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन एंड दिस इज ब्लशर. और गाइज ये मेरे फेवरेट ब्रॉन्जर है. आप अगर मेरे ट्यूटोरियल चेक करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं मोस्टली प्रोडक्ट जो है मेकअप रेवोल्यूशन के यूज करती हूँ. और ये वाला जो ब्रॉन्जर है गाइज ये बहुत बहुत अच्छा है बिकॉज ये एवरी स्किन टोन पे वर्क करेगा. सो सेकेंड इज 3rd इज दिस एंड 4th इज दिस. दिस इज ब्लशर. ये पिंकिश अंडरटोन ब्लशर है और मुझे पिंक चिक्स बहुत पसंद है, तो ये मेरा जून फेवरेट प्रोडक्ट है ब्लशर में. उसके बाद शेयर करूंगी मैं ये आपके साथ निका के 9 आई शेडो पैलेट. और गाइस मुझे स्मोकी मेकअप बहुत पसंद है तो इसमें कॉफी कलर और स्मोकी कलर से ब्राउन स्मोकी मेरा फेवरेट होता है. सो ये मेरा फेवरेट है मंथली जून मंथ में बिकॉज मैं इसे वेयर करती हूँ. और ये पिंकिश अंडरटोन है गाइस और ये बहुत ड्यूई ग्लो देता है आपको. और मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल में बहुत ज्यादा इसे मेकअप रेवोल्यूशन के हाइलाइटर को यूज करती हूँ, आपने चेक किया होगा. मेकअप रेवोल्यूशन का जो मेरा हाइलाइटर है वो अभी टूट गया है तो इसलिए मैंने उस आपके साथ शेयर नहीं किया. वो भी मेरा फेवरेट है और वो सिर्फ जून में नहीं, वो इन फ्यूचर भी मेरा फेवरेट रहने वाला है कुछ टाइम तक, जब तक मुझे और अच्छा हाइलाइटर नहीं मिलेगा. देन उसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ गाइज दिस वन. दिस इज ड्यूप. ये हुडा का ड्यूप आई शेडो पैलेट है एंड इसके जो कलर्स है ना गाइज इसमें आपको मिलेगा, इसमें टोटल आपको 18 शेड्स मिलेंगे. इसमें आपको मैट मेटेलिक एंड ग्लिटर सारे कलर ऑप्शंस है और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ इसको अपने मेकअप ट्यूटोरियल में और इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है. और ये मैंने जस्ट 300 और 400 समथिंग का बाय किया था फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो ये भी मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है. उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये पेन स्टिक. और गाइज ये मेरे फेवरेट पेन स्टिक है और आपने देखा होगा तो ट्यूटोरियल में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ येल्लो अंडरटोन पेन स्टिक. वो ओलिविया का पेन स्टिक है ओनली. सो ये 150 ईच आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है और आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो. टोटल मेरे पास 3 शेड है, 1 येलो 1 व्हाइट. मैं आई बेस पे व्हाइट यूज करती हूँ. देन 1 इज पीच. तो पीच मैंने अभी तक यूज नहीं किया है क्योंकि मेरा पीच अंडर टोन नहीं है, लेकिन कभी अगर मेरे को किसी पे ट्यूटोरियल करना होगा तो ये तब मेरे काम आएगा. ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है बिकॉज इसे मैं हर ट्यूटोरियल में यूज करती हूँ आई बेस के लिए और फेस पे जो भी अनइवन स्किन होता है उसको रिमूव करने के लिए. सो दिस वन. देन उसके बाद शेयर करूंगी गाइस दिस. और ये मेरा फेवरेट ब्लशर है बिकॉज दिस इज
पीच अंडरटोन और ये जस्ट 50 रुपीज का है, ADS का ब्लशर है और इसमें आपको लिटिल बिट शीन भी मिलेगा। तो मुझे ये बहुत पसंद है। आपको अगर नेचुरल फिनिशिंग चाहिए, अगर आपको नेचुरल मेकअप करना पसंद है तो आपके लिए ये वाला ब्लशर बहुत बहुत अच्छा है। ये जस्ट 50 रुपीज का मैं नॉर्मल मार्केट से बाय किया था और अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है तो आप ऑनलाइन भी इसको अवेल कर सकते हो। आपको ऑनलाइन ये 100 रुपीज तक में मिल जाएगा, नायका और अमेजोन दोनों पर। देन उसके बाद मैं शेयर करूंगी फाउंडेशन। और गाइज ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है फिट मी मेबलिन, बिकॉज ये बहुत ड्यूई इफेक्ट देता है स्किन पे और कवरेज भी नॉर्मल है तो रेगुलर के लिए भी मैं इसे यूज कर लेती हूँ। और अगर फुल कवरेज चाहिए होता है तो फुल कवरेज भी मेरा जून फेवरेट मंथ में है, द बॉडी शॉप मैट क्ले फाउंडेशन। और ये मेरा फेवरेट इसलिए बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है प्लस मुझे एक्नी इशू भी हो जाता है, तो इसमें टी ट्री ऑयल है गाइस। और टी ट्री ऑयल सबको पता है कि वो एक्नी के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्कार्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन है प्लस मैट फिनिश है, समर्स के लिए आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो अगर आपका ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है। तो दिस इज गुड फॉर ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन। और नॉर्मल अगर फिनिशिंग चाहिए सो दिस इज गुड, ये मीडियम कवरेज देता है। और अगर आपकी ड्राई नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए परफेक्ट फाउंडेशन है। और इसका जो प्राइस है वो 550 और 600 रुपीज है ओनली। एंड जो बॉडी शॉप का फाउंडेशन का प्राइस है वो 1295। शेयर करूंगी गाइस मैं दिस वन, दिस इज वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फेस प्राइमर मैट फिनिश। क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है तो मुझे मैट फिनिश प्रोडक्ट्स पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ता है, तो दिस इज फॉर ऑयली स्किन। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। देन उसके बाद गाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फेवरेट ग्लिटर एंड दिस इज फ्रॉम क्रायलोन, दिस इज फ्रॉम क्रायलोन गाइज। और ये है पर्ल व्हाइट, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स, मतलब ये पर्ल व्हाइट कलर है और इसमें आपको रिफ्लेक्शन बहुत सारे कलर्स का मिलता है, मतलब आप किसी भी आई शेडो के साथ इसे अप्लाई कर सकते हो। और गाइज ये बहुत बहुत अच्छा है, सो दिस इज माई फेवरेट ग्लिटर। और इसका जो कॉस्ट है उसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ अनदर आई शेडो पैलेट एंड दिस इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। इसका कैप टूट गया है, सो ये मेरा फेवरेट है बिकॉज मैं अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए भी इसे यूज करती हूँ, स्मोक क्रिएट करने के लिए भी यूज करती हूँ। इसके जो कलर पिगमेंट है गाइस बहुत अच्छे हैं और पॉकेट फ्रेंडली है गाइस, आपको 950 में इजिली मिल जाएगा। नायका वगैरह पे आपको 20-25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर। तो ये आई शेडो पैलेट मेरा मल्टी टास्किंग है बिकॉज मैं अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए इसे यूज करती हूँ। सेकेंडली मैंने इसको कंटोरिंग के लिए भी कई बार यूज किया है और मैं इस वाले कलर से, जो ये कलर आप देख रहे हो दिस एंड दिस, इन दोनों को मैं ब्लशर की तरह यूज करती हूँ इसको, एंड इसको मैं हाईलाइटिंग की तरह भी यूज करती हूँ। तो ये मल्टी टास्किंग है, हाईलाइटर, ब्लशर, कंटोरिंग और आईब्रो फिलर के लिए भी, और आई शेडो तो है। तो ये मेरा फेवरेट है जून मंथ का और इसको भी मैंने कई बार अपने ट्यूटोरियल में शेयर किया है आप लोगों के साथ। सो दिस इज लास्ट गाइज, और ये है सिवाना कलर अल्ट्रा ब्लश पैलेट और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे ब्लशर्स के लिए। इट हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लशर, 1 कंटोरिंग एंड 1 हाईलाइटर। तो ये भी अप्रोक्स 400 और 500 का आपको इजिली मिल जाएगा। तो ये मेरा फेवरेट है बिकॉज इसको भी आप आई शेडो की तरह यूज कर सकते हो, ब्लशर भी इसमें है और इसमें कंटोरिंग भी मिलेगा आपको और हाईलाइटर भी मिलेगा। सो गाइज ये था मेरा जून मंथली फेवरेट प्रोडक्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मेरे मंथली फेवरेट प्रोडक्ट्स है वो मंथ एंड में ही मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना विथ योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।